ग्रेड फाइव आई एम सबा जहाज यू साइंस टीचर और हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर इलेवन को कंटिन्यू लेट्स मूव टू द बोर्ड सो फार इन चैप्टर 11 हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में आज विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 11.2 लेट्स रीड व्हाट दैट इज अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दिस रबिंग इज आल्सो कॉल्ड फ्रिक्शन तो हम बात कर रहे हैं अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में

कर सकते हैं कि क्या करती है? के को कर देती है. हर चीज में पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और एवरी थिंग्स तो और एटम्स में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस है और नेगेटिव चार्जेस है जो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन कहराते हैं डिटेल तो में नहीं जाएंगे लेकिन आपके लिए यही जानना काफी है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं और जो फ्रिक्शन होती है बेसिकली वो इन इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्टर्ब कर देती है पॉजिटिव और नेगेटिव को ऊपर नीचे कर देती है और उसकी वजह से चीजें जो है उनमें इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी आ जाती है स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी जो होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी जा सकती है जैसे कि हम आगे दो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो पहली एग्जाम्पल है बिलून और जंपर अगर आपने जम्पर हो स्वेटर पहना है आपने उसके साथ कभी बलून को रब किया हो तो आप फील करते हो कि बलून स्टिक कर जाता है उसके साथ उसकी क्या वजह होती है तो अगर आप पहले उस बलून को फेंको विदाउट रबिंग इट विद योर जैकेट तो क्या होगा वो बलून नीचे गिर जाएगा लेकिन अगर आप उसको अपने जंपर के साथ रब करोगे और फिर उसको छोड़ोगे तो उसी के साथ चिपका हुआ रहेगा उसकी क्या वजह है उसकी वजह है कि जंपर और बलून के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से जो चार्जेस थे नेगेटिव वो अब चले गए हैं

कुंभ से आप अपने बाल ब्रश करते हो ठीक है तो होता क्या है कि आपके बाल जो हैं वो आपके कुंभ को कुछ चार्जेस पास ऑन कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी कुंभ का चार्ज नेगेटिव हो जाता है जिस चीज को चार्ज मिलता है वो नेगेटिव हो जाती है और जो देती है वो पॉजिटिव तो आपके बालों और कुंभ के दरमियान कुंभ को चार्ज मिल जाता है और वो नेगेटिव हो जाती है जब उसी कुंभ को आप पानी के पास लेकर जाओगे तो क्या होगा वो जो कुंभ है उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है अब वो पानी के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और उसके नेगेटिव चार्ज को पुश अवे करेगा क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट ये आपने मैग्नेट्स में भी पढ़ा हुआ है तो जब उस कुंभ का नेगेटिव चार्ज पानी के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो आपकी बुक में एक इमेज हुई है जिसमें आप देख सकते हो कि पानी अपनी जगह से हिलकर कुंभ की तरफ जा रहे कुंभ के अंदर वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है तो ये दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बहुत ही सिंपल छोटा सा यूनिट था अब हम चलेंगे आगे और बात करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आए अगले बोर्ड पे चलते हैं हीट में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं, जो अपने अंदर से को करने देते हैं जैसे कि हमने बात की थी मेटल्स और स्टील और इंसुलेटर्सिट होते हैं जो हीट को पास थ्रू नहीं होने देते यहाँ पर हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करें हीट के रेफरेंस से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस से तो जो चीजें अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास होने देती है दोस्त भी लेते हैं. That allow to pass them are जो भी चीज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देती है जैसे की कॉपर तो वो एक कंडक्टर है और जो चीज इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती जैसे की रबर या वुड वो एक इंसुलेटर है

बैटरी की वोल्टेजेस डिफरेंट होती हैं कुछ हाई वोल्टेजेस होती हैं कुछ है, है, है कम वोल्टेजेस हो, so bulb, होती है आपके घर में अगर आपने अपनी अम्मी वगैरह से सुना हो कि इस वोल्टेज का बल्ब ले आओ तो आपको बेसिकली क्या चाहिए टू वोल्ट का बल्ब लॉट्स मटीरियल ये तीन चीजें तो हो गई लेकिन उसके बाद आप अलग अलग चीजों को गैदर करें रबर वुड प्लास्टिक मेटल स्टील कॉपर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स क्योंकि आप देखना चाहते हो कि कौन सा मटेरियल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और कौन सा नहीं आए पढ़ते हैं पहला स्टेप ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट टू डू स्टेप एंड ऑफ द बैटरी सेल सबसे पहले आप एक वायर को पकड़ोगे उसके एक एंड को कहा अटैच करोगे नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी सेल आपकी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है जो हमने इलेक्ट्रो बनाते हुए भी डिस्कस किया था उसके साथ आपने एक एंड लगा दिया वायर का। का नेक्स्ट पे चलते हैं। अटैच द द द अदर एंड टू बेस ऑफ़ लाइट बल्ब। अब तार का एक हिस्सा जो है, उसको आपने के साथ किया है और दूसरे को आप आप आप, के साथ बल्ब और बैटरी दोनों कनेक्ट हो जाएं आपस में स्टेप टू पढ़ लेते हैं अब आपने क्या करना है जो आपके तो पास दूसरी तार थी उसका दूसरा वैसे ही छोड़ देना तीसरी वाली तार लेनी है उसके एक एंड को अटैच कर देना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जैसे कि पहली तार को आपने के साथ किया था, इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ करोगे और फिर आप उसके दूसरे हिस्से को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दोगे विदाउट अटैचिंग इट अब आपने क्या करना है कि जो दो हिस्से बगैर किसी चीज के साथ अटैच हुए हैं उनके अंदर आपने अलग अलग मटेरियल्स अटैच करके देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती है या नहीं और वो आपको कैसे पता चलेगा

दूसरी वायर का आपने एक हिस्सा सेल के साथ लगा दिया था और दूसरा वैसे ही छोड़ दिया था तीसरी वायर को भी आपने बैटरी के साथ भी अटैच किया और यहाँ खाली छोड़ा हुआ है सो यू विल डू नाउ इज कि ये जो दो एंड्स हैं, इनके दरमियान आप अलग अलग मटेरियल्स को प्लेस करेंगे आप कभी वुड लेंगे कभी कॉपर लेंगे कभी प्लास्टिक लेंगे और उनको यहाँ क्लिप्स के साथ लगा देंगे उससे क्या होगा जब भी बल्ब में लाइट जलेगी अगर आप कॉपर रखोगे फॉर एग्जाम्पल तो लाइट फ्लो करेगी और बल्ब ऑन हो जाएगा लेकिन अगर आप प्लास्टिक रखोगे तो ऐसा नहीं होगा और आपको पता चल जाएगा कि प्लास्टिक इज इज एन इंसुलेटर कॉपर कंडक्टर। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है एक्सपेरिमेंट बहुत इजी बहुत इंटरेस्टिंग बहुत फन है और इससे हमें समझ आ गई है कि आप और इंसुलेटर्स को कैसे डिफरेंशियट कर सकते हो दैट इज इट फॉर इलेवन पॉइंट थ्रीन तो अगले लेसन में मिलते हैं और इसके बारे में और पढ़ते हैं